हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम 3.0 में आउट ऑफ स्टेट की ट्रांजैक्शन को टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास आउट ऑफ स्टेट से कोई परचेज इनवॉइस आएगा तो उसकी एंट्री हमें टेली सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करनी है, या अगर हमें आउट ऑफ स्टेट के अंदर किसी कस्टमर को सेल इनवॉइस इशू करना पड़े टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा, तब हम उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करेंगे। तो ये सारी बातें हम पूरी डिटेल के साथ ओरिजिनल ऑब्जर्व के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट्स करते हैं या फिर वो टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। तो क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको दो अलग बातें सीखने को मिलने वाली है कि हम आउट ऑफ स्टेट के लिए IGST का लेजर हम किस प्रकार से करेंगे और आउट ऑफ स्टेट के लिए हमें परचेज और सेल के लेजर किस प्रकार से क्रिएट करने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस वाउचर की एंट्री करोगे तो आपके ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना हो पाए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर एंड तक देखना। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और शुरुआत करते हैं हम आज किस क्लास की। तो सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर में आउट ऑफ स्टेट से जो हमारे को परचेज इनवॉइस मिला है इसकी एंट्री हम करके देखते हैं। तो इसके लिए हम टेली सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, वाउचर पे चलते हैं। तो वाउचर पे जाने से पहले हमें कुछ लेजर है जो क्रिएट करने पड़ेंगे। अब लेजर कौन से क्रिएट करने पड़ेंगे, सबसे पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारा सप्लायर्स है, यानी कि दिल्ली टेलर्स जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो इसका हम लेजर एक क्रिएट करेंगे सॉफ्टवेयर में। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और इसके साथ साथ हम लेजर को हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, दिल्ली ट्रेडर्स का नाम हमने लिखा। अब ये हमारे लिए सप्लायर्स हैं तो हम इसको रखेंगे सेंट्री क्रेडिटर में, और उसके बाद में प्रॉपर इनका एड्रेस जो इनके टैक्स इनवॉइस के अंदर दिया हुआ है, तो वो हम टैक्स इनवॉइस को यहाँ से मैं एक बार कॉपी कर लेते हैं। आपको वहाँ पर मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद में इनका स्टेट आपको विशेषकर ध्यान में रखना है। स्टेट का अगर आपने कोई यहाँ पर गलत मेंटेन कर दिया तो आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो इसका स्टेट हमारे लिए कौन सा रहेगा, ये आउट ऑफ स्टेट के लिए हमारे लिए, और इनका जो स्टेट है वो दिल्ली का है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर के अंदर भी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में इसके एरिया का पिन कोड अगर आपके इनवॉइस के ऊपर मेंटेन है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको एक बार आप स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद में पैन नंबर और इसका रजिस्ट्रेशन टाइप। अब रजिस्ट्रेशन ये रेगुलर है, अब हमें रेगुलर का पता कैसे चलेगा, अब इस टैक्स इनवॉइस के अंदर टैक्स लग के आया हुआ है आउट ऑफ स्टेट का, यानी कि IGST का, तो इसका मतलब ये 100% रेगुलर ही है। GST नंबर जो इसके टैक्स इनवॉइस के ऊपर हेडिंग पे लिखा होगा वो हमें यहाँ पर लिखना होता है, हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे। और उसके बाद में अगर डिटेल को आप यस करोगे तो यहाँ से आप ये जरूर चेक कर लें कि पहले सब सप्लाई फॉर आउटवर्ड इसके लिए दिल्ली ही है क्या, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है यहाँ पर कोई स्टेट गलत ना दे, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इसको हम नो रखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा सप्लायर का लेजर हमने क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद बात आएगी, हमें इंटरस्टेट परचेज के लेजर भी क्रिएट करने होंगे। तो अब इंटरस्टेट के जो हमारे पास परचेज आई है वो दो अलग अलग टाइप की परचेज है। परचेज का मतलब एक हमारे पास 12% की भी प्रोडक्ट है और कुछ 18% की भी परचेज हमने करी हुई है। तो हम सबसे पहले इंटरस्टेट GST 12% परचेज का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे, और अंडर में रहने वाला ये परचेज का, और उसके बाद के अंदर GST एप्लीकेबल रहेगी, और उसके बाद में जो एज पर कंपनी का जो ग्रुप है वो हम इसको AGTC रखेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर इसको गुड्स रखेंगे। और इसी तरीके से हम एक इंटरस्टेट GST 18% का भी लेजर क्रिएट करेंगे, और सेम अंडर ग्रुप इसका परचेज काउंट रखते हुए एप्लीकेबल रखेंगे और टाइप ऑफ सप्लाईज के अंदर गुड्स रखेंगे। और इस तरीके से हम एक IGST टैक्स का भी एक लेजर क्रिएट करेंगे, और ये टैक्स का जो लेजर है वो रखेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से हम GST को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से IGST को सिलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने ये लेजर है जो क्रिएट करनी है। अब हम वापस चलते हैं वाउचर की एंट्री पर, वाउचर पर हम जाएंगे, F9 हम यूज़ करेंगे परचेज वाउचर के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले परचेज का इनवॉइस नंबर, तो ये इनवॉइस नंबर हमें यहाँ लिखना होगा 125, डेट 25 है
और यहाँ पर भी सेम हम इनवॉइस सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर हम यहाँ लिख देंगे, पार्टी अकाउंट नेम, दिल्ली ट्रेडर्स का लेजर हमने यहाँ पर क्रिएट है जो कर लिए है। अब उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, जो नेम ऑफ आइटम इस इनवॉइस के अंदर हमारे पास आई है 25 वाट का बल्ब, तो फाइव क्वांटिटी हम यहाँ लिखने वाले हैं 100 पीसेस। और अब यहाँ पर हमें जो रेट लिखना है वो रेट हम डालेंगे ये 145 का, और उसके बाद में टोटल अमाउंट बननी चाहिए 16,240, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है 14,500 का। इसका मतलब ये हमारी विद टैक्स की अमाउंट है, तो टैक्स हम बाद में कैलकुलेट इसके अंदर किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें लेजर वो सिलेक्ट करना है जो अभी हमने इंटरेस्ट रेट 12% का लेजर अभी जो क्रिएट हमने किया था, इंटरेस्ट रेट जीएसटी 12% परचेज का लेजर, और उसके बाद में टैक्सेबल रहेगा एजीटी से हम इसको रखेंगे, और उसके बाद में सेकेंड जो हमारे पास प्रोडक्ट है 400 का, क्वांटिटीज की 150 और इसका जो प्राइस 1230, और ये जीएसटी 18% का प्रोडक्ट है, तो यहां से हम 18% वाले इंटरेस्ट रेट जीएसटी परचेज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है अगर हम यहां देखें तो 1,99,000 की टैक्सेबल वैल्यू बन चुकी है, और यहां पर भी 1,99,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू आ चुकी है। अब हमें आईजीएसटी टैक्स लगाना है, तो एंटर हम प्रेस करेंगे, यहां पर आ जाएंगे लेजर पे। अब यहां पर हमें आईजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करना है, जैसे हम यहां से आईजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करेंगे ये टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट आपके सामने होके आ जाएगी। अब यहां का टैक्स की अमाउंट देखें 34,950 रुपए की है, और इनवॉइस में देखें तो यहां पर भी 34,950 रुपए का ही टैक्स कैलकुलेट है। तो अब यहां पर 18% अलग अलग समरी के साथ है, तो यहां आपको कंबाइन दिखेगा। अगर आप इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो यहां से आप एल्ट ए बटन को प्रेस करेंगे, एल्ट के साथ ए बटन, तो यहां पर आपको डिटेल दिखा देगा कि कौन से प्रोडक्ट का कितना टैक्स है। इस अमाउंट के ऊपर यह टैक्स लगा हुआ है और इस अमाउंट के ऊपर यह टैक्स लगा हुआ है, तो अलग अलग डिटेल आपके सामने आ जाएगी, और नीचे आपका टोटल भी आ जाएगा 34,950 रुपए का। एंटर प्रेस हम करेंगे, उसके बाद में डिटेल पूछी जाएगी प्रोवाइड ई वे इनवॉइस के लिए। अब जाहिर सी बात है अभी ये 50,000 रुपए से ज्यादा का इनवॉइस है, तो ई वे बिल भी बनेगा, और ई वे बिल की जो समरी है कुछ डिटेल वगैरह वो यहाँ पर इनवॉइस के अंदर लग के आई हुई है, तो यहाँ से हम इसको जैसे यस करेंगे, तो यस करने के बाद में सबसे पहले ई वे इनवॉइस का नंबर है जो यहाँ पर हमें लिखना है। अब ई वे बिल का नंबर ये आएगा। अब ये ई वे बिल किस तरीके से बनता है, क्या चीज है ई वे बिल, ये हम धीरे धीरे आगे आने वाली क्लास के अंदर इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से आपके पास गुड्स आया है, दिल्ली से आया है, शिप टू कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर जो ये शिप टू हमारा मेन एड्रेस है वहीं पर हुआ है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट नेम वगैरह, अगर आप ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो न्यू आपको क्रिएट करना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट का नाम। अब ये सारी डिटेल्स हमें आगे आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगी ये डिटेल हमें क्यों डालना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट की आईडी वगैरह है तो ठीक है भाई, ये रोड आपके पास आया हुआ है, इसी तरीके से व्हीकल का नंबर जो आपके व्हीकल नंबर पे है, इसके सेल इन जो आपका टैक्स इनवॉइस है इसके ऊपर लिखा होगा, तो हम इसको रेगुलर करें। एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को हम सेव करें, तो इस तरीके से हमने आउट ऑफ स्टेट की यानी कि आईजीएसटी परचेज इनवॉइस की एंट्री करी है। अब इसके ट्रांजैक्शन में कहाँ दिखेगी, अगर हम फाइनल अकाउंट्स पर चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चलते हैं, और हम एल्ट एफ वन के साथ डिटेल को ओपन करेंगे, तो हमें वो डिटेल सारी यहाँ पता चलती है भी हमारी जो टोटल परचेज है 297,365 रुपये 26 पैसे की। तो इसके अंदर ये कुछ इस तरीके की ट्रांजेक्शन हमें दिखती है, यानी कि ये हमारी इंटर स्टेट आउट ऑफ स्टेट की टोटल परचेज है, और ये हमारी लोकल की यानी कि विद इन स्टेट की इंटर स्टेट हमारी परचेज है। तो ये परचेज की इनवॉइस की एंट्री हमने जो हमारी पिछली क्लासें थी उस क्लास के अंदर हमने ट्रांजेक्शन करना सीखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में मिल जाएगी, आप इन वीडियो को भी आप जरूर देख लेना भी हमारी लोकल की परचेज की एंट्री किस प्रकार से होती है और आउट ऑफ स्टेट की ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होती है वो हमने आज की इस क्लास में सीखा है। तो ये तो थी हमारी परचेज की ट्रांजेक्शन। अगर हमें इसी तरीके से सेल वाउचर की एंट्री करनी पड़े, यानी कि अगर हमारा कोई कंज्यूमर कस्टमर हमारा आउट ऑफ स्टेट के अंदर है, उसको हमें सेल इनवॉइस इशू करना है हमारे सॉफ्टवेयर से, तो उसके ट्रांजेक्शन हमें किस प्रकार से करनी है, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमें उस कस्टमर का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और लेजर क्रिएट करने के बाद में हमें कुछ सेल के लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने इंटर स्टेट परचेज के जो लेजर तैयार किए थे इस तरीके से हम इंटर स्टेट जीएसटी
12% सेल के अकाउंट भी हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। अंडर में रहने वाले ये सेल अकाउंट, इसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल, इसको डाटम एजीटीज रखते हैं, टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे। अब आप जीएसटी 12% की सेल हो सकती है, 18 की भी हो सकती है, इस तरीके से हमें अलग अलग लेजर है जो क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए सपोज कर हमें इसी दिल्ली ट्रेडर्स को ही वापस सेल करते हैं, तो हम इसके लिए वाउचर को ओपन करेंगे, सेल वाउचर पे हम जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो इनवॉइस का जो नंबर रहने वाला वो हम इनवॉइस का नंबर यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में 2 मई की डेट। अब मान लीजिए दिल्ली ट्रेडर्स को हमने आउट ऑफ स्टेट ही सेल करनी है, तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट रहेगा उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं। क्वांटिटी मान लीजिए हमने 2 पीसेस कर दी, विथ टैक्स का रेट हमने 250 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स 12% लोकल की सेल है और अभी हमने इंटर स्टेट जीएसटी 12% सेल का लेजर क्रिएट किया है, वो लेजर हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। एजीटी हम इंटरप्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप सीजीएसटी टैक्स लगाना चाहोगे ना, तो सीजीएसटी टैक्स के आप देख रहे हो कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पर अब आईजीएसटी टैक्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये आईजीएसटी टैक्स की अमाउंट है जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर ये टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने प्रॉपर लेजर है जो सही तरीके से क्रिएट नहीं किए, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी है और वो मिस्टेक होने का कारण यही होता है कि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो। तो इस तरीके से ये हमारा 500 रुपए की अमाउंट बनेगी, यहाँ से 1 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है 499.99 रुपए का। आप चाहो तो यहाँ से भी पूरा कर सकते हो, अदरवाइज आप राउंड ऑफ का लेजर यहाँ से हम पूरा कर देंगे 0.01 के साथ, तो ये 500 रुपए की अमाउंट आपके इनवॉइस की पूरी बनेगी। और उसके बाद में ई इनवॉइस की डिटेल हम एक बार इसको स्किप कर रहे हैं, नो करेंगे और इंटरप्रेस करते हुए हम इस वाउचर को सेल करेंगे। तो हम यहाँ पर हम इसकी डिटेल लिख सकते हैं, नरेशन के अंदर गुड्स की डिटेल वगैरह वो सारी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब इनवॉइस के लिए पूछ रहे हैं, हम इसको नो करेंगे। तो ये हमने सेल का इनवॉइस इशू कर दिया। अब जैसे हम इस सेल इनवॉइस का इशू किया, इसका हम जैसे प्रिंट प्रीव्यू अगर हम देखना चाहें तो कंट्रोल पी हम प्रेस करेंगे और प्रीव्यू हम देखेंगे। तो जैसे हम प्रीव्यू देखेंगे तो प्रीव्यू के अंदर भी आपको ये चीजें दिखाई देगी, तो टोटल इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, आईजीएसटी टैक्स की अमाउंट कितनी है और यहाँ पर नीचे पूरी समरी की डिटेल भी आएगी। टैक्सेबल ये है और आईजीएसटी की अमाउंट आपके सामने 53.57 रुपए की है। तो ये टोटल 500 रुपए का इनवॉइस बन चुका है और इनवॉइस आपका एजीटी उसी तरीके से बनता है जिस हमारा लोकल के अंदर बनता है। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन साथ में डिस्पैच की डिटेल वगैरह साथ में लिखना चाहते हो तो ये एंट्री हमें, जब हम सेल वाउचर की एंट्री हमने करी है तो अब यहाँ पर जाएंगे, F1 हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो बायर्स की जो डिटेल है आप इस ऑप्शन को यस कर दोगे और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो डिटेल आपसे यहाँ से पूछ लेगा, डिस्पैच की डिटेल, जो आपका मोटर व्हीकल का नंबर, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप दे सकते हो। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद के अंदर आपका वहां पर सारा डाटा एजीटीज प्रिंट होके आएगा जो आपने सेल इनवॉइस की एंट्री वक्त करते वक्त आपने दिया था। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी जरूर कर लेना।